नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ सिकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड का। तो प्लीज़ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, तभी आगे भी अपडेट आता रहेगा। हालांकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट तो नहीं आया है, मैं चेक कर रहा था। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें लगभग लगभग मान लीजिए कि लोअर सर्किट, मतलब एकदम लोअर सर्किट के चौकट पे खड़ा हुआ है। केवल वही 31,000 क्वांटिटी लगी हुई है बाइक के साइड में। अगर ये कोई सेलर मिल जाता है 31,000 32,000 शेयर सेल करने के लिए, तो लोअर सर्किट मान के चलिए, तो कुल मिला के कहेंगे कि लोअर सर्किट लगा है। ठीक है, ठीक है, 32 लाख के आसपास टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें टोटल अगर नंबर, हाँ देखिए थोड़ा सा अभी जो है 3 पॉइंट यहाँ पे 15 पॉइंट छूट रहा है, कुल लग ही जाएगा, मतलब मान के चलिए लगा है 31,34,527 इक्विटी शेयर आज ट्रेड हुआ है। और आज का अपर सर्किट है ₹4.36 पे, और लोअर सर्किट है ₹3.96 पे। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और लगभग वही 96 पे है, 97 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 10 1 पैसे 2 पैसे के अंतराल पे ये जो बच रहा है लोअर सर्किट। अब देखिए इसमें वीडियो तो मैं बहुत सारी बनाया हूँ, पीछे आप लोग देखे भी हो, और मैं आप सबको यहीं पे बोला था जब यहाँ से तेजी आ रही थी तभी मैं बोला था कि इसको आप होल्ड करिए, इसमें आप सबको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। और ₹7 के आसपास का मैं उस समय टारगेट भी बताया था, हालांकि ₹7 तो नहीं दिया, लेकिन उसके पहले पहले से ही गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली। आप लोगों को स्टॉप लॉस मैं बताने के लिए बोला था कि हर एक ग्रीन कैंडल के लो का आप लोग इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करिए, क्योंकि ये शेयर है अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला शेयर है। क्योंकि ये आज इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लग रहा है, यहाँ पे हर एक मोमेंटम के बाद इसमें गिरावट आ जाती है, हर एक मोमेंटम के बाद गिरावट आ जाती है, हर एक मोमेंटम छोटा बड़ा भी मोमेंटम होता है तो गिरावट आ जाती है, ये इसका नेचर है। इसीलिए इसमें जब मोमेंटम हो तभी घुसिए, और मोमेंटम खत्म होने से पहले पहले निकल जाइए, और हर एक कैंडल के लो का स्टॉप लॉस फॉलो करिए, ताकि जब ही प्राइस रिवर्स करे एग्जिट हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा है जो यहाँ पे पहले दिन अगर तेजी हुआ था और वो पहले दिन खरीदारी किया था और हर एक कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के चला होगा, तो ये वाले लेवल के आसपास जब ये वाली रेड कैंडल बनी होगी वो बंदा निकल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब फिर से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई तो भी बंदा खरीदा होगा, तो यहाँ तक प्राइस गया होगा, लेकिन अगर वो कैंडल पे लो पे रखा होगा तो ये वाले लेवल पे एग्जिट किया होगा। यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ होगा तो ये फिर से यहाँ पे खरीदारी किया होगा, तो ये वाले लेवल पे जो कैंडल आई थी या फिर क्या इधर के साइड में, यहाँ तक तो प्रॉफिट नहीं बुक हुआ। तो कुछ स्टॉक होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रेटजी काम बहुत अच्छे से करती है, तो इसमें अभी तो गिरावट का जो है सिचुएशन है, गिरावट हो रहा है, तो अभी तो इसमें खरीदारी नहीं हो सकती। हालांकि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इसमें ₹3.45 के नीचे का, या फिर जो ये वाला लो बना है इसके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप ₹2.50 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। देखिए इसमें मैं जो डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो डेली चार्ट पे तो ये अभी बिल्कुल मतलब खरीदारी करने के लायक नहीं दिख रहा है, मतलब या तो ये कंसोलिडेट करेगा या तो गिरावट करेगा, यही डेली चार्ट। लेकिन वहीं पे मैं जब वीकली चार्ट इसका कर दे रहा हूँ तो वीकली चार्ट पे जो है एक जबरदस्त पैटर्न भी दिख रहा है, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक जो है सिचुएशन बना हुआ है, और यहाँ से हमेशा जो इसका लो बन रहा है वो हायर लो बन रहा है, मतलब वहाँ पे अगर हम लोग देख रहे थे तो कुछ हमको जो है लोअर लो लोअर हाई भी दिख रहा था, जैसे कि यहाँ वाले ये वाले कंडीशन पे हम लोग देख रहे थे। देखिए फिर से मैं डेली करके दिखाता हूँ, ऐसे देखिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई भी इस तरह से फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे हुआ है यही चीज़, और यही चीज़ यहाँ पे भी देखने के लिए मिली है कि यहाँ पे लो बना, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक लो बन गया, इसके बाद यहाँ से लो, तो ये इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर यही इसी चीज़ को हम लोग वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो चार्ट स्मूथ हो जा रहा है। और अब यहाँ पे हम लोग लो देखेंगे तो लो मार्क करिए आप लोग, ये वाला पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और यहाँ पे चौथा लो, मतलब अब अगर आप लोग देख रहे हो तो अब इसका हर जो लो है वो एक लो से ऊपर ही बन रहा है, तो ये एक अच्छा यहाँ पे कंडीशन है। बाकी चार्ट पैटर्न समझाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। यहाँ से एक तेजी लगभग लगभग ₹8 तक इसमें हो सकती है, तो याद रखिए। अब मैं अपना टोटल जो अभी एनालिसिस किया उसका मतलब एकदम देता हूँ व्यू, टोटल क्या है कंक्लूजन इसमें मेरा व्यू रहेगा खरीदारी करने का लॉन्ग टर्म के लिए। कम से कम आज इसको खरीदिएगा आप लोग तो 1 साल के बाद ही देखिएगा। 1 साल का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे 24 शुरू हुआ है, यहाँ पे 25, और अभी अप्रैल मई जून लगभग जून के आसपास, और यहाँ पे जून दिख रहा है ये वाला, मतलब ये वाले लेवल के आसपास, मतलब यहाँ मतलब 2025 मार्च अप्रैल मई जून, मतलब मार्च क्वार्टर के बाद ही इसको देखिएगा, मार्च क्वार्टर के बाद ही बेचिएगा, चाहे कितना भी गिर जाए कितना भी।
तो अब ऐसा नहीं कि कितना भी गिर जाए तो टोटल पैसा लगा दो, उतना ही पैसा लगा दीजिएगा कि जो जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और इसको 1 साल मतलब मार्च से लेके मार्च तक कम से कम इसको आप देखिए, इन्वेस्ट करिए, और आप सबको मेरे हिसाब से लगभग लगभग तो ज़्यादा चांस है कि 8 रुपये तक का टारगेट देगा। अभी 4 रुपये पे, 4 रुपये से 8 रुपये, मतलब 100% का आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, और 100% का नीचे लॉस हो सकता है। मतलब इसमें मैंने अपना 10,000 रुपये लगाया है, तो क्या होगा कि या तो ये 10,000 रुपया मेरा जीरो हो जाएगा, या फिर ये 10,000 रुपया मेरा जो है 20,000 बन जाएगा। बस इसी उद्देश्य से आपको जो है खरीदारी इसमें करना है। अब जीरो तो नहीं होगा नीचे, क्योंकि अगर यहाँ से गिरता है तो कहीं 2 रुपये पे जाएगा, 1 रुपये पे जाएगा, कहीं ना कहीं पे तो रुका ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर यहाँ से जाता है तो 8 रुपये का टारगेट देगा, तो 10,000 के बदले में 10,000 आपको सीधा सीधा मिलेगा, और उस 10,000 को आप निकाल लीजिएगा बाद में। फिर अपना जो है आधा क्वांटिटी रहने दीजिएगा जो, और अगर वहाँ से मोमेंटम आएगा तो जो आपका 10,000 प्रॉफिट वाला 10,000 रहेगा, वहीं कहीं 20,000 25,000 भी बन सकता है। तो देख लीजिएगा, कम से कम 1 साल का व्यू हो तो छुइएगा, नहीं तो फिर मत छुइएगा। एक और कंडीशन स्टॉप लॉस के लिए आपको बता देता हूँ, मूविंग एवरेज तो देखिए मैं कई सारा लगाता हूँ, लगा भी यहाँ पे है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटेजी काम करेगी कि इसका यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा, सिंपल मूविंग एवरेज, और 20 डे में मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के लिए आप कर रहे हो, अगर उसमें अगर कहीं आपको सेलिंग करने का मूड कभी कर दे, जैसे मैं तो बता रहा हूँ कि हमेशा के लिए इसको होल्ड करना है जब तक कि 8 न जाए, ठीक है ना, तो जब तक इसका 20 डीएम में मूविंग एवरेज इसके जो है 100 डीएम में मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला नोट कर लीजिएगा, आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लाइक करिएगा, दबा के 100 लाइक कम से कम कंप्लीट करिए आपको।